सो हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सेशन में आप सबका स्वागत है। आज ही का हमारा दूसरा सेशन है। एक सेशन 5 to 5:30 हुआ था, इंडियन पेंटिंग्स के सेशन को हमने स्टार्ट करा था, ठीक है। और ये पार्ट टू है। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। अनअकैडमी शौर्य के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से जितनी भी नोटिफिकेशन आएंगी वो आपको पता लगती रहेंगी। इस चैनल के ऊपर हम बहुत ही प्रीमियम कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम्स के रिलेटेड हो, इन्फॉर्मेशन हो किस तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक करा जा सकता है, ठीक है। और अनअकैडमी की डिफेंस कैटेगरी की टीम के अंदर देर आर एक्स आर्म्ड प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग मी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ, ये तो मैं हूँ यहाँ पर, एक्स इंडियन आर्मी एंड, ठीक है, एक्स इंडियन आर्मी MHA संजय कुमार, जिस जो मेरा नाम है सिद्धांत सर है, जो इंग्लिश के जाने माने चेहरे हैं, ठीक है। और प्रशांत जगताप सर, विशाल कुमार सर, ठीक है, संदीप कुमार और असिस्टेंट कमांडर दिव्या गुप्ता। तो यहाँ पर इसी, ये बेसिकली जो आप पीछे देख रहे हैं, तो अभी हमारा CAPF का बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम CAPF के बैच के अंदर जो CAPF का एग्जामिनेशन होने वाला है ऑगस्ट के अंदर, उसको फोकस करते हुए आपको पढ़ाएंगे। और इसमें आप देख सकते हैं तीन तो वो लोग हैं जो क्रॉस करके दूसरी तरफ बैरियर में जा चुके हैं, दी बीन इन टू दी फोर्सेस, जिसका एक्सपीरियंस का फायदा नॉट ओनली आपको इंटरव्यू स्टेज में होगा, रिटन एग्जामिनेशन में होगा। जो बच्चे SSB की भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं पर्सनल गाइडेंस देता हूँ, तो उसका भी इम्पैक्ट आपको काफ़ी पड़ेगा, बिकॉज यू वुड बी गेटिंग टॉट बाय अ पर्सन हु हैज़ बीन ऑन दी अदर साइड, जो आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए भी गाइडेंस दे रहा है। जो करंट में चेंजेस आ रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये वाला जो कोर्स है, CAPF का कोर्स है, जो आपका फेब 2020 से लेके चलेगा आपका जुलाई 2020 तक, बहुत ही डिटेल्ड कोर्स रहेगा ये आपका, ठीक है, जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स को कवर कराया जाएगा। पेपर वन कवर कराया जाएगा, पेपर टू कवर करा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो प्लीज ये रेफरल कोड जरूर यूज करिए, Sanjay2 SANJAYTW LIVE। इससे आपको क्या फायदा होगा, इसको एडमिशन लेते वक्त आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस बात को देख लीजिए, एक बार चेक कर लूँ कि आपकी कितने लोग सेशन में जुड़ चुके हैं। ठीक है, गुड इवनिंग। ठीक है, तो धीरे धीरे आप सारे सेशन में आ जाइए, ठीक है। आपको दिख रहा है, आई थिंक ऑडियो विजुअल इज क्लियर गाइस, ऑडियो विजुअल क्लियर है, ठीक है, चलो वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारा चल रहा था पेंटिंग्स, ठीक है, पेंटिंग्स का लेक्चर चल रहा था, जिसके अंदर बाकी सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका था। तो अब सीधा पेंटिंग की तरफ चलेंगे, ठीक है, क्योंकि डांस फॉर्म्स तो हमने सारी खत्म कर ली थी, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस कर रहे थे, इंडियन पेंटिंग्स को 6 लेम्स और साधका एन्यूमरेटेड बाय वात्स्यायन इन कामसूत्र, ये सब हमने पढ़ लिया था। हम भीमबेटका का पेंटिंग्स पे तो सीधा उस पर चलते हैं, ठीक है। तो ये पेंटिंग्स थी जिसके अंदर, ठीक है, भीमबेटका को हम डिस्कस कर रहे थे, भीमबेटका पढ़ते हैं, वहीं पे चलते हैं। तो भीमबेटका की पेंटिंग्स के अंदर कहां पर थी हमारी साइड, हाँ, इस स्लाइड के ऊपर थे हम। तो साउथ एशियन रिचेस्ट कलेक्शन इन 1955 VS वाला का वाकांदर डिस्कवर्ड द भीमबेटका रॉक केव, जो है आपके VS वाकांदर, ठीक है। एंड इन 2003 यूनेस्को इंस्क्राइब द भीमबेटका रॉक केव्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। ये आपके लिए MCQ है, कौन से साल में दिया गया है, 2003 में दिया गया है। भीमबेटका रॉक केव्स एग्जिबिट द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इंडिया, ठीक है। और इसकी तीन स्टेजेस थी वो भी हमने देखी थी, अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और लेटर। और इनकी तीन फोटोग्राफ्स भी मैंने आपको दिखाई थी, यहीं तक हम पहुंचे थे, ठीक है। अपर पैलियोलिथिक व्हाइट डार्क रेड ग्रीन लाइंस थी, एनिमल बाइसन और टाइगर को दिखाया गया।
मेसोलिथिक में देखते हैं तो थोड़े हंटिंग सीन्स को दिखाया गया सिमिलरली, बट लाइंस आपकी थोड़ी पतली हो गई थी. तो रेड स्मॉल फिगरीन्स लॉस्ट देयर प्रोपोर्शन एंड नेचुरलिज्म. लेटर ग्रीन येलो बैटल सीन विद इन मैन राइडिंग एलिफेंट्स एंड हॉर्स विद स्पेयर बोज. कॉमन थीम था हंटिंग स्टिकमैन इमेजेस शिवा गणेशा फ्लावर्स ट्रीज पिकॉक डियर. ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यू कैन सी द पिक्चर्स ऑल्सो. अपर पैलियोलिथिक में व्हाइट डार्क रेड ग्रीन बाइसन, बाइसन को आप यहां देख सकते हैं. ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको हल्का हल्का व्हाइट रंग दिखे, रेड गो तो बहुत यूज करा गया है. मेसोलिथिक में आप ये देखेंगे रेड हंटिंग, रेड कलर आपको दिख रहा है. ठीक है, ओके. और ग्रीन येलो बैटल सीन, येलो दिख रहा है हल्का ग्रीन इस एरिया के अंदर दिखेगा आपको, और रेड भी है. ठीक है, तो ये अलग अलग थे पेंटिंग्स के अंदर, थोड़े बहुत चेंजेस आते गए विद टाइम, पीपल स्टार्टेड लर्निंग मोर, कलर्स का और यूज बढ़ता गया. ठीक है, एंड दिस इज द कामासूत्रा, वात्स्यायन, वात्स्यायन ने कामासूत्रा को लिखा है. गुप्ता एज पेंटिंग्स की हम बात करें तो अजंता पेंटिंग्स है, बाग केव पेंटिंग्स है, सीतान वसाल पेंटिंग्स है. वात्स्यायन कामासूत्रा शोज द स्किल्स इन्वॉल्व्ड इन पेंटिंग एंड द टाइप्स ऑफ ब्रशेज यूज बाई पेंटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वात्स्यायन ने कामासूत्रा, वात्स्यायन ने कामासूत्रा के अंदर आपकी पेंटिंग्स के बारे में बात करिए कि इतने टाइप के ब्रशेज होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं. ठीक है, पेंटिंग्स इन द टाइप ऑफ ब्रशेज यूज बाई दी पेंटर. तो वात्स्यायन कामासूत्रा शो द स्किल्स इन्वॉल्व इन पेंटिंग एंड द टाइप्स ऑफ ब्रशेज यूज बाई दी पेंटिंग्स. ठीक है, तो वात्स्यायन ने अपनी कामासूत्रा में सेक्सुअल पोजिशंस के बारे में तो बात करी ही है. ठीक है, बट कि उसके अलावा उन्होंने पेंटिंग्स की भी बात करी हुई है. ठीक है, सो गुप्ता एज पेंटिंग्स अजंता, बाग, सीताम वसाल, वात्स्यायन, इसके आगे बढ़ते हैं. ओके, तो अजंता पेंटिंग्स के अंदर हम बात करें तो फ्रेस्को वॉल पेंटिंग्स ये देख सकते हैं आप. फ्रेस्को, फ्रेस्को का मतलब पता होना चाहिए, फ्रेस्को का मतलब पता होना चाहिए, मुराल पेंटिंग्स का मतलब पता होना चाहिए, ये दोनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो फ्रेस, पहले मैं मुराल समझाता हूं, तो जिसको हम टेम्परा स्टाइल भी बोलते हैं. तो मुराल इज एनी पीस ऑफ आर्टवर्क पेंटेड और अप्लाइड डायरेक्टली ऑन अ वॉल, सीलिंग और अदर परमानेंट सर्विसेज. ठीक है, और यहां पर जो टेम्परा स्टाइल की बात करी गई है, परमानेंट फास्ट ड्राइंग पेंटिंग मीडियम, तो दीवार पर बेसिकली टेम्परा मुराल क्या है, इट इज एनी पीस ऑफ आर्ट वर्क पेंटेड और अप्लाइड डायरेक्टली ऑन अ वॉल, सीलिंग और अदर परमानेंट सर्फेस. यानी कि मान लिया जाए कि अगर आपने, अगर आपको कभी चांस मिला है अजंता एलोरा जाने का, तो अजंता में आप देखेंगे तो वहां पर वॉल के ऊपर ही पेंटिंग बनाई गई है, और जब उस पर रंग लगा दिया जाता तो जल्दी सूख के पकड़ लेता था. ठीक है, तो मुराल क्या है, टेम्पोरल स्टाइल. अब मुराल इज एनी पीस ऑफ आर्ट वर्क पेंटेड और अप्लाइड डायरेक्टली ऑन अ वॉल, सीधा दीवार पर बनाया जा रहा है, और अदर परमानेंट सर्फेसेज है. ठीक है, तो टेम्परा क्या होता है, यहां पर बोला गया टेम्परा स्टाइल. टेम्परा स्टाइल क्या है, परमानेंट फास्ट ड्राइंग पेंटिंग मीडियम कंसिस्टिंग ऑफ कलर्ड पिगमेंट, पिगमेंट मिक्स्ड विद वाटर सॉल्यूबल बाइंडर मीडियम. टेम्परा ऑल्सो रेफर्स टू पेंटिंग. टेम्परा स्टाइल वो होता है जो टेम्पर स्टाइल को फॉलो कर रहा है. ठीक है, तो टेम्परा इज परमानेंट है, फास्ट ड्राइंग यानी कि जैसे ही आपने रंग वगैरह उस पर लगा दी तो बड़ी जल्दी सूख जाएगा. पेंटिंग मीडियम कंसिस्टिंग ऑफ कलर्ड पिगमेंट्स, अलग अलग कलर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर रेड दिख रहा होगा, येलो दिख रहा होगा. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ब्राउनिश कलर दिख रहा है यहाँ पर. ठीक है, वाटर सॉल्यूबल बाइंडर है टेम्परा, टेम्परा तो ठीक है. तो फ्रेस्को वॉल पेंटिंग्स यही है जो आपकी वॉल्स पर फ्रेश पेंटिंग्स बनाई गई, बाइंडर्स को यूज करा गया जो जल्दी से दीवार पर सूख जाती थी, परमानेंट स्ट्रक्चर्स पर इनको बनाया गया. ठीक है, तो रफ सर्फेस फॉर पेंटिंग स्टोन पाउडर काउ डंग एंड राइस स्ट्रॉ टू कवर रफ एरियाज. पेंटेड ऑन वेट सर्फेस रेड और ऑक्रे. ठीक है, रेड और ऑक्रे को हमने देखा था, ये आपकी भीमबेटका पेंटिंग्स में भी रंग यूज हुआ है. कलर्स मेड ऑफ द लोकल पिगमेंट्स मिनरल्स प्लांट्स फॉर अप्लाइड फिनिशिंग ब्लैक और ब्राउन आउटलाइन से करी गई. यहां पर भी आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का यूज करा गया है. ठीक है, मेन कलर्स रेड ग्रीन ब्लैक व्हाइट एंड ब्लू, इनको ध्यान में रखिएगा आपकी अजंता पेंटिंग्स के अंदर. रफ सर्फेस फॉर पेंटिंग स्टोन पाउडर को यूज करा गया, पत्थरों के चूरे को, काउ डंग को यूज करा गया, राइस स्ट्रॉ को यूज करा गया रफ एरियाज को कवर करने के लिए. ठीक है, रफ एरियाज को कवर करने के लिए ताकि स्मूथनेस आए रंग जब चढ़ाया जाए उस पर. तो रफ सर्फेसेस फॉर पेंटिंग स्टोन पाउडर को यूज करा गया, डंग को यूज करा गया, स्ट्रॉ को यूज करा गया, और उसके बाद उस पर रंग चढ़ाया गया, अलग अलग रंगों का प्रयोग करा गया. पहले समतल सा दीवार बनाने की कोशिश करी गई, फिर उस पर रंग लगाया गया. ठीक है, पेंटेड ऑन वेट सर्फेसेस गीले सर्फेसेस पे रेड कलर का यूज करा गया. कलर्स किससे बनाए गए, कलर्स और मेड अप ऑफ लोकल पिगमेंट मिनरल्स को यूज करा गया, प्लांट्स को यूज करा गया. ठीक है, फिनिशिंग ब्लैक और ब्राउन आउटलाइंस हुई, तो जो आउटलाइंस थी बाहर की आउटलाइंस थी वहां पर काले रंग को यूज करा गया और ब्राउन रंग को यूज करा गया.
मेन कलर्स रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट, रेड ग्रीन ब्लैक व्हाइट ब्लू, और ये ऑक्रे रेड को ध्यान में रखना आप। एक ये एक हो गया आपका ब्लू, ठीक है, एक हो गया आपका ब्लैक, एक हो गया आपका व्हाइट, ठीक है, तो हो गए हमारे, अच्छा एक हो गया ग्रीन, मेन कलर्स ये थे आपके। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, समझ में आई यहां तक की कहानी, बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? गाइज आर गेटिंग इट? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है, ओके। तो यहां पर भी देख सकते हो मेन एलिमेंट्स, एक बार आप फोटोग्राफ्स देख लो, ठीक है, फोटोग्राफ आप देखोगे तो और पेंटिंग्स का आइडिया लगेगा आपको, ठीक है। देखिए यहां पर ग्रीन कलर को यूज करा गया है, ग्रीन कलर को यूज करा गया है, ठीक है, अजंता की अलग अलग पेंटिंग्स, ये देखो ग्रीन कलर्स को, ब्लैक आउटलाइन ये भी ग्रीन कलर को यूज करा गया है, रेड को यूज करा गया है, ठीक है, ब्राउन को यूज करा गया है, ठीक है, ब्लैक को यूज करा गया है, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैव बीन यूज्ड आउट है। यहां पर देखिए अलग अलग कलर्स, देखिए यहां से व्हाइट निकल के आता है, ये भी व्हाइट को यूज करा गया, ये भी व्हाइट को यूज करा गया, ठीक है। तो जस्ट अ सेक गाइस, ठीक है, सो समबडी केम, दरवाजा खोलना पड़ गया था, ठीक है। तो बैक टू द लेक्चर, मेन एलिमेंट्स इमोशनल एक्सप्रेशन, बुद्धास लाइव एंड बोधिसत्वा। बोधिसत्वा को हमने बुद्धिज्म में काफी डिटेल में पढ़ा है, जिसके अंदर हमने महायाना और हिनयाना में देखा। हिनयाना में तो ये बोला गया कि जो बुद्ध, गौतम बुद्ध के पूर्व और जो फ्यूचर के जन्म है वही बोधिसत्व हो सकते हैं। महायाना में बात करी गई कि कोई भी बोधिसत्व बन सकता है अगर वो बुद्ध की करी हुई बातों को फॉलो करता है और उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये अलग अलग थॉट प्रोसेस है, जैसे जब बुद्धिज्म दो भागों में टूटा महायाना और हिनयाना के अंदर, तो ये महायाना का थॉट है जो थोड़ा लिबरल बुद्धिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पर इमोशनल एक्सप्रेशन, बुद्धास लाइफ एंड बोधिसत्व। और एक चीज आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि जो हिनयाना बुद्धिज्म था वो मूर्ति पूजन में विश्वास ही नहीं रखता था, वो सिंबल से पूजा करता था गौतम बुद्ध की। इसीलिए जहां पर आपको मूर्ति दिखेंगी, फोटोग्राफ्स दिखेंगी, बेसिकली ये महायाना बुद्धिज्म को रिप्रेजेंटेशन करेगा, ठीक है। तो यहां पर अलग अलग बुद्ध भगवान को आप देख सकते हो, उनकी प्रतिमाएं दे सकते हो, ठीक है। अलग अलग बोधिसत्व को दिखाया गया है, इमोशनल एक्सप्रेशन दिखाने की कोशिश करी गई है। हालांकि ये जो पेंटिंग्स हैं काफी हद तक आपकी थोड़ी मिट गई है विद टाइम, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव जातक स्टोरीज, ऑर्नामेंटल गरुड़, यक्ष, अप्सराज, एनिमल्स, बर्ड्स एंड फ्लावर्स को बनाया गया है। मोस्ट फेमस अप्सरा, ब्लैक प्रिंसेस, बोधिसत्व और पद्मपाणि। पद्मपाणि की तो मैंने आपको दिखाई थी, द फेमस जो आपकी पद्मपाणि है, दिस इज द फेमस पद्मपाणि, जो पद्मपाणि फ्रेस्को पेंटिंग है आपके अजंता की, दिस इज द पद्मपाणि जो आप देख रहे हो ना, दिख रहा हूं आपका, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, जातक स्टोरीज, जातक स्टोरीज जैसे कि हमारी हिंदुइज्म में पंचतंत्रा स्टोरीज थी ना, जैसे पंचतंत्रा स्टोरी थी जिसमें मॉरल लेक्चर्स दिए जाते थे, मॉरालिटी के बारे में बताया हुआ है, एथिक्स के बारे में बताया हुआ, कहानियों के तरीके से। तो जातक स्टोरीज में भी सिमिलर कंसेप्ट को दिखाने की कोशिश करी गई है, स्टोरीज है वो, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, अगर आप देखिए इन फोटोग्राफ्स को देखिए, उसी से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। जस्ट चेकआउट दैट फोटोग्राफ ऑन माई लेफ्ट, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज करा गया है, शार्पनेस आई है, ड्रॉइंग्स कर्वेशियस रिदमिक, ठीक है, कर्व्स देखने को मिलेंगे, रिदम देखने को मिलेगा आपको, म्यूजिकल, जैसे किसी जैसे फोटोग्राफ को देख के लग रहा है जैसे कुछ सुन रहे हैं, संगीत को सुना जा रहा है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन, सेंटिमेंट्स एंड इमोशन, लिमिटेड कलर्स, वेराइटी ऑफ लाइफ, फुल ऑर्नामेंटेशन, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, हैंड पोस्चर्स को दिखाया गया है, ठीक है, आंखों को दिखाया गया है,
ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, गले के अंदर ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, तो ज्वेलरी पहनी हुई है, ठीक है। तो वुमेन ग्रेसफुल एंड डिवाइन फॉर्म, डेकोरेशन ऑफ रूफ्स एंड पिलर्स, अगर आप देखेंगे ऊपर रूफ्स, ठीक है, पिलर्स पे कुछ ना कुछ कारीगरी करी गई है सजाने के लिए, देखिए ऊपर कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें सजाई गई हैं इन पेंटिंग्स के अंदर, ठीक है। तो जब भी आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है तो इस बात का ध्यान रखिए कि आर्ट एंड कल्चर विदाउट फोटोग्राफ्स पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि देन यू नीड टू इमेजिन इट, ठीक है। अगर आप इमेजिन करेंगे तो पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए फोटोग्राफ्स के साथ पढ़ेंगे तो थोड़ा ईजी हो जाता है, खासकर जब आप टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, पेंटिंग पढ़ रहे हैं, डांस पढ़ रहे हैं, सो द लाइफ बिकम्स वेरी इजी बिकॉज प्रैक्टिकली आप देख भी पाएंगे उन सारी चीजों को, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं बाघ केव्स के ऊपर, ठीक है। तो बाघ केव्स, देयर आर 9 केव्स, ठीक है, तो ग्वालियर में है, बाघ ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा, फोर्थ केव जो है रंग महल, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेंटिंग्स यहां पे पाई जाती है बाघ पेंटिंग्स, सेम लाइन ऑफ अजंता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम एज अजंता। तो अगर आप बाघ पेंटिंग्स को भी देखेंगे, बाघ पेंटिंग्स के अंदर भी जो अजंता पेंटिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी हमने देखी इस वाली स्लाइड में, जो अजंता पेंटिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, यही देखने को मिलती है। और अगर आप मेन एलिमेंट देखेंगे बाघ पेंटिंग के भी, तो वो भी काफी हद तक सिमिलर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप तो देखोगे, ठीक है, तो अगला है आपका सीतना वसल पेंटिंग, ठीक है। तो ये कहां पर है, टैंजोर के अंदर है, पद्दुकोटा में है, बिल्ट बाय महेंद्र वर्मन एंड हिज सन नरसिम्हा वर्मन, ठीक है। और यहां पर आप इस पेंटिंग को देख सकते हैं, एक बार आप पेंटिंग को देख लीजिए, उससे थोड़ा आइडिया लगने लग जाता है, ठीक है। आप एक बार पेंटिंग को देख लीजिए, ठीक है, जैसे नीचे इस वाले में अगर आप देख सकते हैं, येलो कलर को यूज करा गया है, रेड कलर को यूज करा गया है, ग्रीन कलर को यूज करा गया है, ब्राउन कलर को करा है, ऊपर तो एक स्कल्पचर देखने की कोशिश है, और ऊपर ये साइड में पेंटिंग्स करी हुई है, बट द फोटोग्राफ इज नॉट सो मच क्लियर, ठीक है। तो जेना पेंटिंग्स, यहां पर आप जेना पेंटिंग्स को देख सकते हैं, ठीक है, मोर ऑफ अ स्कल्पचर काइंड है ये, ठीक है। रिजेंबलेंस ऑफ बाघ एंड अजंता, पेंटिंग्स डिपिक्ट एनिमल्स, बर्ड, फ्लावर्स, ठीक है, एनिमल्स, ब्लड, फ्लावर्स, यहाँ पर आप देखिए फ्लावर्स डिपिक्ट कर रहा है ये, फ्लावर लोटस दिखा रहा है, जिसकी यहाँ पर बात करी हुई है वो लोटस ही दिखा रहा है आपको, और एनिमल आई थिंक ये रहा है आपका एनिमल, ये एक स्ट्रक्चर देखिएगा आपको एनिमल का, दिस इज एनिमल, ठीक है, ये आपका लोटस हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपको एक ह्यूमन भी दिख रहा होगा, ठीक है, ये देखिए, ओके। तो गंधर्व, अर्धनारेश्वरा, मेन एंड वुमेन आपको देखने को मिलेंगे। तो पेंटिंग डिपिक्ट्स एनिमल्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, गंधर्व, अर्धनारेश्वर, मेन एंड वुमेन, ठीक है। तो यहां पर आपको जैसे भगवान का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है, ओके, फ्लावर स्ट्रक्चर आपको यहां देखने को मिलेगा, एनिमल आपको यहां पर देखने को मिलेगा, यहां पर भी कुछ है, थोड़ा विजिबिलिटी कम है उसकी थोड़ी, ठीक है। उसके बाद है आपकी इलोरा पेंटिंग्स है, तो काफ़ी क्लियर पेंटिंग है आपकी, ठीक है, फोटोग्राफ इज मच मोर क्लियर इन दिस वन, ठीक है। तो इलोरा पेंटिंग्स की अगर मैं बात करूँ, सीन्स ऑफ रामायण एंड महाभारता, ये जो सीन्स ऑफ रामायण एंड महाभारता है, ये हमने देखा था कि हमारे डांस में भी थे, ठीक है, जब हमने देखा था कि आपको कथकली में देखने को मिलता है, उसके बाद जब हमने देखा कथक देखा हमने, और मणिपुरी देखा, जो खासकर आपकी नॉर्थ ईस्ट का था, वहाँ पर भी विष्णु भगवान का काफ़ी प्रभाव रहा है, बेसिकली भक्ति मूवमेंट का बड़ा प्रभाव रहा है, ठीक है। तो ये रामायण महाभारत के जो थीम्स हैं, ये हमें क्लासिकल डांसेस में भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आप क्लासिकल डांसेस देखेंगे कि पेंटिंग्स देखेंगे, देर इज समथिंग कॉमन विच इज कमिंग आउट ऑफ द रिलीजन, जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो बैटल सीन्स दिखाए गए हैं, माइथोलॉजिकल एनिमल्स एंड फ्लावर्स, एलिफेंट एंड लोटस पॉन्ड, शिवा इज नटराज, डिवाइन फिगर्स रिलेटेड टू जैनिज्म, जो इलोरा पेंटिंग्स में देखने पड़ते हैं। रामायण महाभारत का थीम देखने को मिलेगा, रामायण महाभारत का थीम देखने को मिलेगा, बैटल सीन्स देखने को मिलेंगे आपको एलोरा पेंटिंग्स में, ठीक है, और एलिफेंट इन लोटस पॉन्ड, शिवा इज नटराज, ठीक है, ओके। टू टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स, एक है जो अजंता से रिप्लेस करेगी, ठीक है, और ये आपको दिख रहा है नटराज, इसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है,
त्रिभंगा पोजिशन में दिख रहे हैं ये शंकर भगवान, अदर शोइंग डिटेरिएशन इन्फ्लुएंस ऑफ अपभ्रंशा। ठीक है, ये फोटोग्राफ देखी आप सबने, फोटोग्राफ देखी हाँ, वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ राइनोसोरस ही लग रहा था, राइनोसोरस हाँ एक्चुअल में बोल भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका आगे आपका पाला स्कूल। ठीक है, आप देखिए पेंटिंग में चेंजेस आए थोड़े, ऐसा लग रहा है जैसे कपड़े पे पेंटिंग बन रही है। ठीक है, काफी चेंज दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो पाला स्कूल, पाला कहां से आपके बंगाल और बिहार से, कहां से बिहार और बंगाल। ठीक है, मेन पैटर्न्स कौन है, धर्मा पाला और देवपाला, धर्मा पाला देवपाला। ठीक है, मेन आर्टिस्ट कौन है, धीमान एंड वितापाला, धीमान और वितापाला। ठीक है, तो आर्टिस्ट कौन है, इनके दो इंपॉर्टेंट, धीमापाला और दूसरा हो गया आपका वितापाला। ठीक है, धीमपाला वितापाला याद रहेगा, याद रहेगा, पाला स्कूल्स, पाला ऑफ बंगाल एंड बिहार, मेन पैटर्न्स है धर्मपाला एंड देवपाला, और उसके बाद जो इनकी मेन पेटर्स है धीमापाला और वितापाला। तो धीमापाला और विता, सॉरी धीमान, आई बेग योर पार्डन, मेन आर्टिस्ट है धीमान और वितापाला, मेन पैटर्न्स है धर्मपाला और देवपाला, और पालास कहां से है आपके बंगाल और बिहार से आ रहे हैं। ठीक है, और पेंटिंग आप देख ही सकते हैं, एक बार पेंटिंग को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा आइडिया भी लगेगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है पेंटिंग की, एक बार फोटोग्राफ देख लीजिए, उससे थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। देखिए इस बार पेंटिंग में कितना डिफरेंस, अबे पत्थर की जगह अगर आप देखेंगे कलर्स का कितना अच्छा प्रयोग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग कितनी पॉइंटेड चीजें बनाई जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए पेड़ पक्षी वगैरह बनाने की कोशिश करी जा रही है, देर हैज़ बीन अ चेंज, तो यहाँ पर नेचर पर बड़ा फोकस करा गया है। मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग ऑन तलापत्रा रिलीजियस एंड रिलेटेड टू बुद्धा एंड वज्रयान बुद्धिज्म। ठीक है, ये वज्रयान बुद्धिज्म की पेंटिंग है आपकी। ठीक है, ब्लैक फिनिशिंग लाइंस आर ग्रेसफुल। ठीक है, ब्लैक फिनिशिंग लाइंस काफी ग्रेसफुली यूज करी गई है, ये देखिए यहां पर जो ग्रेसफुली यूज करी गई है ब्लैक फिनिशिंग लाइंस, अलग अलग आपको बॉर्डर पे भी दिखेंगी यहां पर देखिए। ठीक है, ये जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं आपको ये दिख रहा है ना, विच आई एम पॉइंटिंग आउट यू, ये दिख रहा है ना आपको, हाँ डिटेलिंग बहुत ज्यादा करी गई है, एक बार कमेंट कर दीजिए अगर आपको दिख रहा है तो। चलो गुड गुड, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे रिलीजियस एंड रिलेटेड टू बुद्धिज्म वज्रा है ना, ब्लैक फिनिशिंग लाइंस आर ग्रेसफुल, हेड्स अगर आप देखेंगे फ्लैट दिखाए गए हैं। ठीक है, यहां पर आप देखिए, ठीक है, नेचर बनाना एंड कोकोनट ट्रीज, लवली ह्यूमन फिगर्स को दिखाया गया है, आप देखिए। ठीक है, या फिर इस वाली पिक्चर में भी दिखेगा आपको, तो लवली ह्यूमन फिगर्स को दिखाया गया है। ठीक है, आई बेग योर पार्डन, ठीक है, सिंपल कॉम्पोजिशन एंड फील ऑफ डिवोशन, डिवोशन तो है ही। ठीक है, बेसिकली बुद्धिज्म में दिखाया है कि जो भगवान की फोटोग्राफ्स बनाए किस तरह लोग डिवोटेड है भगवान बुद्ध के लिए, दिखाने की कोशिश करी गई है। ठीक है, अगर आप इस फोटोग्राफ के अंदर भी देखेंगे तो बेसिकली एक तरीके से भगवान की आराधना करते हुए या भगवान में मग्न होते हुए दिखाने की कोशिश करी गई है थ्रू दी पेंटर। ठीक है, अब आता है आपका अपभ्रंशा स्कूल, एक बार फोटोग्राफ देख लीजिए उससे थोड़ा अच्छा आइडिया लगता है। ठीक है, एक बार आप फोटोग्राफ देख लीजिए। ठीक है, आप समझाते हैं, इसके ऊपर बात कर लीजिए, आप अपभ्रंशा स्कूल के ऊपर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, कौन से इलाके से आता है सबसे पहले, तो भाई ये आपके मेवाड़ के इलाके से आता है। रंगों का प्रयोग देखिए कितना रेड कलर का कितना यूज करा गया है। ठीक है, रेड कलर का कितना मैसिव यूज करा गया है, येलो कलर का कितना यूज करा गया है,
यहाँ पर आपको एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं, एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं, राजा जी देखने को मिल रहे हैं जो गद्दी पे लेटे हुए हैं। थोड़ा लेजर दिखाने की कोशिश करी गई है, लेजर दिखाने की कोशिश करी गई है, ठीक है। और ऊपर अलग अलग चीजें यहाँ पर देखिए, जानवर दिखाने की कोशिश करी गई है, भगवान दिखाने की भी कोशिश करी गई है, ठीक है। तो मेवाड़ के अंदर, ठीक है, तो अपर ब्रह्मशाह स्कूल ऑफ आर्ट और जैन स्कूल ऑफ आर्ट और सिंपली नोन एज वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट इज अ प्री डोमिनेंट स्कूल ऑफ आर्ट इन वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग दी 11th to 15th century। तो इसके बहुत सारे नाम है, इसको हम बोलते हैं जैन स्कूल ऑफ आर्ट भी बोला जाता है, ठीक है, वेस्टर्न स्कूल ऑफ आर्ट भी बोला जाता है इसको, ठीक है, वेस्टर्न स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। तो वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट बोला जाता है, जैन स्कूल ऑफ आर्ट बोला जाता है, ठीक है। और ये कब से कब तक था, 11th से लेके 15th century तक, ठीक है। इट ग्रू एज अ रिएक्शन टू द ग्रेट मूरल पेंटिंग्स ऑफ अजंता अलॉन्ग विद पाला स्कूल ऑफ आर्ट। तो बेसिकली ये एक तरीके का रिएक्शन था कि जैसे कि अजंता पेंटिंग्स बड़ी पॉपुलर हुई, पाला पेंटिंग्स बिहार और बंगाल की बहुत पॉपुलर हुई, तो उसके खिलाफ ये पेंटिंग्स बनी, ठीक है, उसके अगेंस्ट ये पेंटिंग का थीम आया, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, एक चीज़ और छोटी सी बता दूँ, जब मैं किसी भी चीज़ में बोलता हूँ 15th century, 15th century का मतलब क्या होता है, 1400 to 1499, ये आपकी 15th century होती है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, 15th century 1400 to 1499, 1500 to 1599 16th century होगी, ठीक है। तो ज़रा ध्यान में रखिएगा आप इसको, कई बार ये क्लियर नहीं होता। सो 900 to 999 क्या होगा आपका, ठीक है, 10th century के अंदर आ जाएगा वो आपका, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपका 11th century भी है ना, 1180, ओके, तो दैट इज़ बेसिकली 15 के अंदर होगा आपका 1400 से 1499, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर दिस, आई थिंक मैंने इसका भी सही बता दिया आपको, ठीक है। 10th AD का क्या होगा आपका, 10th AD का होगा 900 to 999, ये 10th century हो जाएगी आपकी, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना, गड़बड़ मत करना, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, आप यहां पर देखो कितनी बल्जिंग आईज है, बल्जिंग आईज है, ये यहां पर भी देखने को मिलेगा आपको, बल्जिंग आईज है कितनी, ठीक है, बल्जिंग आईज, फिश शेप्ड है, इस तरीके की शेप बनी हुई है आईज की, देखो फिश शेप, डबल चिन, पॉइंटेड नोज, पॉइंटेड नोज, डबल चिन, ठीक है, यहां पर भी देखो, ठीक है, प्री डोमिनेंट चेस्ट, डिस्टॉर्टेड हैंड्स एंड स्टिल फिगर, ठीक है, हैंड्स डिस्टॉर्टेड लग रहे हैं, यूज ऑफ ब्राइट एंड गोल्ड कलर्स, ठीक है, एनिमल्स एंड बर्ड्स रिप्रेजेंटेड लाइक टॉयज, लैक ऑफ नेचुरल सीन्स, डेकोरेटेड मार्जिन्स, ठीक है, डेकोरेटेड मार्जिन्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, और भगवान को भी एक टॉय की तरह दिखाया हुआ है, यहाँ पर आपके एनिमल्स दिखाए गए हैं, ठीक है, और अगर आप हैंड की मूवमेंट देखेंगे, यहाँ पर है और यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो इतने शार्पली नहीं बनाए गए, पैर को भी आप देखेंगे इतने शार्पली नहीं बनाया गया इनको, ठीक है। तो डिस्टॉर्टेड हैंड एंड स्टिल फिगर, लैक ऑफ नेचुरल सीन्स, डेकोरेटेड मार्जिन्स, तो जिस तरीके से हमने पहले देखे थे डेकोरेटेड, आपके जैसे पाला पेंटिंग्स के अंदर हमने देखा था, ठीक है, पाला पेंटिंग्स में आप देखिए नेचर को कितना यूज़ करा गया यहाँ पर इस पेंटिंग के अंदर, या फिर अगर हम इसमें देखें, इससे पहले वाली अजंता पेंटिंग्स के अंदर देखें, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, ठीक है, जहाँ पर आपके फ्लावर्स को दिखाने की कोशिश करी गई है, एनिमल्स को दिखाने की कोशिश करी गई है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये है इसकी, ठीक है, तो ओके, तो मुगल्स वर बेस्ट नोन हाउएवर फॉर देयर फ्यूजन ऑफ इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अर्ली एम्परर, पर्टिकुलरली अकबर कमीशन पेंटिंग्स टू इलस्ट्रेट हिंदू एपिक्स एज वेल एज वेरियस पर्शियन टेक्स्ट। सो इन द ट्वाइलाइट एरा ऑफ द मुगल एरा एम्पायर वेरियस सिटीज इन अवध रीजन एस्टैब्लिश देयर ओन स्कूल्स ऑफ पेंटिंग सीमेंटेड ऑन लखनऊ, फैजाबाद एंड मुर्शिदाबाद। एक्चुअल में ये वाली स्लाइड आपकी पहले आनी थी, ये वाली बाद में आनी थी, पहले ये पढ़ लेते हैं फिर उस पर आएंगे, ठीक है। तो ट्रीटेड अभी मुगल स्कूल पर आए हैं, इससे पहले कि हमने वो सारे स्कूल्स देख लिए आपके,
ठीक है, हमने भीमबेटका देख लिया, अजंता देख लिया, पाला देख लिया, अपभ्रंशा देख लिया, ठीक है, एलोरा देख लिया, ठीक है। तो मुगल स्कूल में अगर आते हैं, ट्रीटेड अगेंस्ट एज अगेंस्ट इस्लाम, इंडो पर्शियन स्टाइल, इन्फ्लुएंस बुद्धिस्ट, सेंट्रल एशियन एंड मंगोलॉयड, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यूज ऑफ ब्रिलियंट कलर्स, वेराइटी ऑफ थीम्स, और जो पेंटिंग्स की, जब हम मुगल एरा की पेंटिंग्स की बात करते हैं, तो मैक्सिमम जो गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग्स है मुगल एरा में, वो जहांगीर के टाइम पे आता है, ठीक है। जैसे अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो शाहजहां के टाइम पर आता है, पेंटिंग्स का जो बेस्ट टाइम है वो जहांगीर के टाइम पर आता है, जो खुद भी पेंटिंग से बहुत इंटरेस्टेड थे। तो यूज ऑफ ब्रिलियंट कलर्स, वेराइटी ऑफ थीम्स, ऑर्नामेंटेशन, रियलिज्म, एक्यूरेसी, आप देखिए कितनी ड्रॉइंग में आ चुकी है। अब आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस आ गया है, अब कितना डिफरेंस आ चुका है अब, ठीक है। एक्यूरेसी, लाइन ड्रॉइंग, पर्सपेक्टिव और डेप्थ इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्चुगीज, तो पोर्चुगीज से भी काफी कुछ सीखने को मिला इनको, ठीक है, ओके। अब इसको वापस यहां पर लेते हैं, तो अब मुगल्स पर, वर द बेस्ट नोन हाउएवर फॉर देयर इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अर्ली एम्प्रेस, पर्टिकुलरली अकबर 1556 से लेकर 1605 कमीशन पेंटिंग्स टू इलस्ट्रेट हिंदू एपिक्स एज वेल एज, तो पर्शियन टेक्स्ट भी दिखाए गए, हिंदू एपिक्स भी दिखाए गए। इन द ट्वाइलाइट एरा ऑफ द मुगल एम्पायर, वेरियस सिटीज इन द अवध रीजन एस्टैब्लिश देयर ओन स्कूल्स सच एज पेंटिंग सेंटर्ड ऑन सिटीज सच एज लखनऊ, फैजाबाद और मुर्शिदाबाद, ठीक है। तो अब हम सेशन को यहीं पर रैप अप करेंगे, ठीक है। अब हम फिर मिलेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर, टाइम खत्म होता है हमारी क्लास का, ठीक है। तो वील कैच अप इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइज, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, ठीक है। आपको मजा आ रहा होगा, जो आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, होपफुली इट वुड बी हेल्पिंग यू आउट। अगर आपको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़नी है तो आप अनअकैडमी प्लस पे एडमिशन लीजिए, ये मेरा रेफरल कोड है SANJAYTWOLIVE, संजय टू लाइव, ठीक है। इससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा जब अनअकैडमी प्लस पे आप एडमिशन लेंगे, और उसके साथ आपको जितने भी एजुकेटर के अलग अलग कोर्सेज आए वो भी सारे मिल जाएंगे, ठीक है। सो इफ देयर आर 30 एजुकेटर्स विच आर टीचिंग यू, तो सारे के सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। 30 एजुकेटर से अगर 100 कोर्स चल रहे हैं, सबके सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे, जितने भी टाइप के लिए आप एडमिशन ले रहे हो, आप 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या 24 महीने के लिए एडमिशन ले रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 1 साल वाले कोर्स का एडमिशन लो, जिसकी फीस आपकी 8000 रुपीज है, और सब्सक्रिप्शन के बाद जो 10% का आप डिस्काउंट यूज करेंगे तो ये 7200 रुपये पड़ जाएगी, और अगर के आपके पास अनअकैडमी क्रेडिट्स है तो 10% तक का डिस्काउंट और मिल सकता है। अनअकैडमी क्रेडिट के लिए आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और स्पेशल सेशंस और फ्री कोर्सेज को देखना पड़ेगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच। सो अब हम मिलेंगे अपनी अगली प्लस क्लास के अंदर, यूट्यूब पे तो हम मिलते ही रहेंगे। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस पर मुझसे स्पेसिफिकली SSB के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो सेशन में मिलिएगा। कल भी आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियोस आने वाले हैं यूट्यूब के अंदर, जहां पर हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स के साथ कि किस तरीके से उन्होंने अपने रिटन एग्जामिनेशंस को क्लियर करा CDS AFCAT। और कल मेरी एक और क्लास भी है सुबह 8 बजे मेरी क्लास है अनअकैडमी प्लस के ऊपर। ये फ्री क्लास है जिसके अंदर मैं मैपिंग कराने वाला हूँ ज्योग्राफी की एटलस के थ्रू। तो आप अपनी एटलस लेकर आइए और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइज, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।